हिंदी फिल्मों में समय समय पे ऐसी अभिनेत्रियां आती रही हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में भी खूब वाहवाही बटोरी। ऐसी ही एक खूबसूरत अभिनेत्री हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर रखा था, जिसके बाद वो अपनी अदाकारी से 80 के दशक में सबसे फेवरेट अभिनेत्री बन गई। खैर, पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनकी बेटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दें कि इनकी खूबसूरती देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 80 और 90 का दशक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम माना जाता है, और इस दशक में बॉलीवुड की बेहद ही पॉपुलर और खूबसूरत अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बनाया था। वहीं अपने फिल्मी करियर में पद्मिनी कोल्हापुरी ने कई सुपरहिट मूवीज में काम किया, जिसके चलते उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपको शायद जानकारी ना हो, पर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे का नाम प्रियांक शर्मा है, जो देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी का बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ एक खास और गहरा संबंध है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पद्मिनी कोल्हापुरी रिश्ते में श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। पद्मिनी श्रद्धा कपूर की माँ शिवांगी कोल्हापुरी की रियल बहन है। दरअसल पद्मिनी की कोई बेटी नहीं है और वो श्रद्धा को ही अपनी बेटी मानती हैं। वहीं अक्सर कई इवेंट्स में पद्मिनी और श्रद्धा के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई थी। श्रद्धा कपूर अपनी मौसी के साथ आए दिन सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी शेयर करती हैं। श्रद्धा कपूर की मौसी पद्मिनी और मम्मी शिवांगी कपूर से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही दिलचस्प रहा है। दरअसल उनकी मौसी और मम्मी दोनों ने घर से भागकर ही शादी की थी, क्योंकि मराठी परिवार से जुड़ी होने के कारण घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पद्मिनी की बहन और श्रद्धा कपूर की मम्मी शिवांगी कपूर ने भी फिल्मों में काम किया है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि शिवांगी कपूर ने 1980 में आई फिल्म किस्मत में पद्मिनी के साथ ही काम किया था। तो पद्मिनी की इस खूबसूरत सी बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।